चंदवा संभल की चंदोसी के बनियाखेड़ा विकास खंड के विभिन्न ग्रामों के ग्रामीणों ने विद्युत समस्या को लेकर अधीक्षण अभियंतों को ज्ञापन सौंपा। चंदवा संभल की चंदोसी तहसील क्षेत्र के बनियाखेड़ा विकास खंड के विभिन्न ग्रामों के राहोली, बेरीखेड़ा, खुशालपुर और अहलेदातपुर के चंपू के ग्रामीणों ने आज विद्युत वितरण के उप खंड कार्यालय पर पहुंचकर विद्युत समस्या से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अधीक्षण अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा। इस विषय में ग्राम राहोली के प्रधान पुत्र अमित पाठक ने बताया कि पिछले 15 दिनों से राहोली, बेरीखेड़ा, खुशालपुर और अहलेदातपुर के चंपू के ग्रामीण बिजली की समस्या से परेशान है, जिसको लेकर इन गांवों के ग्रामीणों ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा, जिस पर उन्होंने हमें जल्द से जल्द हमारी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। वहीं अधीक्षण अभियंता ने बताया कि इन ग्रामीणों की समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। आपने अभी ज्ञापन सौंपा है, किस समस्या को लेकर ज्ञापन दिया है? समस्या ये है कि पिछले लगभग 15 दिन से ग्राम अलहदादपुर चम्मू, रहोली, बेरीखेड़ा, खुशालपुर के ग्रामीण बिजली व्यवस्था से बहुत परेशान है। बिल्कुल बिजली ठप पड़ी हुई है। किसान फसल को सिंचाई करने में परेशान है। धान की फसल पूरी तरह सूख चुकी है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज हाइडल के एक्सी साहब से अपने संबंधित मांगों का ज्ञापन लेकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने सबसे पहली मांग हमारी ये थी कि जो लाइन बिजली की मेन लाइन है वो लगभग 15-20 वर्ष पुरानी है, जिसे बदलवाया जाना जनहित में बहुत ज़रूरी है। हमारी उसी मांग को देखते हुए एक्सी साहब ने हमें उसका एस्टीमेट बनाने के लिए संबंधित SDO को अभी आदेश किया है। दूसरी चीज़, अभी SDO साहब को, जो देहात के हैं पंकज सिंह जी, उन्हें आदेशित किया है कि अभी गांव की व्यवस्था सुचारू रूप से कराकर उन्हें अवगत कराया जाए। तीसरी, एक गांव पड़ता है खुशालपुर, उसका ट्रांसफार्मर टूटा हुआ था 25 KVA का, उसे भी बदलवाने का निर्देश माननीय एक्सी साहब ने हमें दिया है। तो हम सब लोग इसी आश्वासन के साथ अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो इससे भी बड़ी संख्या में हम आंदोलन करेंगे विद्युत विभाग के खिलाफ। सर, चमरपुरा के और रवोली के लोगों ने अभी एक ज्ञापन सौंपा है, क्या समस्या है? इनकी समस्या ये बता रहे हैं कि इनके गाँव में समस्या बिजली नहीं मिल पा रही है से, और मेरे संज्ञान में ये पहले भी आ चुका है, कल कुछ लोग आए थे इस गाँव से, कल भी आए थे, और हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि तुरंत समाधान जितनी जल्दी हो सके। इसके लिए कुछ छोटे मोटे व्यवसाय करनी है, उसके हम आदेश दे चुके हैं, कल भी दिए थे, अभी मैंने आप सामने बात की कि अभी प्राप्त नहीं हुआ है उनका जरूरी है प्रस्ताव, तो प्रस्ताव मंगा के जो तुरंत होने लायक है वो तो करा दिया जाएगा। जो बता रहे हैं कि इनकी लाइन में स्टील की तार लगे हुए हैं, यही बार लगे हुए हैं रेल की लाइन में, मैंने उनका टाइम दिया है 11 बजे, मैं स्वयं निरीक्षण करूँगा लाइन में और उसके हिसाब से बना।